आ रहे करीब साथ ही है भरी लग रहा है अच्छा पेमेंट क्या आ रहा है एक महीने थोड़ा सा डिले हुआ है उससे ज़्यादा तो कुछ डिले नहीं हुआ ना सर गए जमाने में ये महीने में भी नहीं आ रहा है सर कितने महीने से आप 6-8 महीने से हो गए एक साथ से हैं हम नहीं 8 महीने हो हरे रक्षा सर ये बच्चे निकाल दो बैठिए सर मैं आप लोगों की सबकी परेशानी समझता हूँ मैं रोज ऑफिस इसलिए आता हूँ लोगों की परेशानी है ये इशू ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है जैसे 15 सितंबर तक जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट ख़त्म हम रात दिन काम कर रहे हैं सर इस मंथ एंड तक का आपका 30th का पेमेंट रिलीज हो जाएगा ओके और 15 तारीख का पेमेंट फर्स्ट वीक में रिलीज होगा सर अच्छा तो इस महीने का 30th का पेमेंट 15 तक रिलीज उसके बाद क्लियर है सर बहुत शुक्रिया सर इस बात की भाई हम यकीन माने सर अभी भी मैं मॉर्निंग रोज सुबह आरबीआई के ऑफिस में जाता हूँ लिस्ट लेके सबमिट करता हूँ बैंक आज की डेट पे हमको एवरी डे सिर्फ 10% का ही रिलीज होता है सर जी 10% का ही रिलीज हो रहा है 15th सितंबर मैक्सिमम है उसके बाद क्लियर है सर मैं समझ रहा हूँ सर आप लोग सबका मेहनत का पैसा है सर जी यकीन माने मैं रोज मैं ऑफिस आता हूं क्योंकि हर किसी का मेहनत का पैसा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सबके दिल में डर बैठा हुआ है और डर की वजह से मैं आया हूं सर यहां पे बैठता हूं मैं रोज कि मेरी ऑफिस खुली है आप आइए मिलिए बात कीजिए मुझसे करके सब डेट रोज 2-3 बार एक्सटेंड कर रहे हैं एक्चुअली सर डेट 2-3 बार इसलिए हो कि हमको जैसे अप्रूवल मिला हमने डेट दे दिया सर कभी भी हमारी जबान पे कभी भी हमने ये पहली बार हुआ है सर मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी एक बात है अभी 20 तारीख को बोले 20 तारीख का ठीक है छोड़ दी 22 तारीख का एक अपडेट डाल दी दे स्टेटस लगा दे 22 तारीख को बोलिए तो 22 तारीख का अभी एक डेट एक डाल दिया तो क्या होगा एक नाम से रहते थे हम एक मिनट रुकना थोड़ा सा उस पर बात करना चाहता हूँ ठीक है दोनों सर मैं अभी बहुत जल्दी मीडिया पे आके एक 2-3 दिन मंडे ट्यूसडे के बाद मीडिया पे आके मैं न्यूज़ लाने वाला हूँ जी और ये न्यूज़ कि भाई डिले हुआ है परेशान ना हो मैं समझ रहा हूँ लोगों की जज्बात को जी आप कोई लोग व्हाट्सअप नहीं समझ पाते कोई लोग ये नहीं समझ पाते कोई लोग वो नहीं समझ पाते मैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं बोला मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता था जी मैं करने से लोग फिर कुछ और सोचेंगे ये छोटा सा मसला था करीब बट अभी मेरे को बहुत सारे लोग आप मीडिया में आके बोल दिए मैं ठीक है मैं मीडिया में आके बोल दो डरने वाली बात है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ जिसमें तो डरने वाली बात है मैं मीडिया में न्यूज़ डालूंगा मंडे ट्यूसडे के बाद मीडिया में मैं डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन आप लोग तीस का ये मंथन तक आ जाएगा सर मंथन तक आता सर पक्का है लास्ट मंथ तीस का एक बात बताता हूँ सर जिन लोगों का जितना भी डिले हुआ है उसका प्रॉफिट मिलेंगे सर हमारे पास पैसा है वो हमारी अमानत है हम पैसा पहले सेटल हो जाने दो फिर उसके बाद हम नहीं सर देखिए सर जबान में कभी भी अपनी इस पर नहीं कर सकता मैंने आप लोगों का पैसा मेरे पास है मतलब वो हक से दूंगा मैं वो हक से जाएंगे सर क्योंकि मैं कभी भी किसी का पैसा लेके खाने वाला नहीं हूँ सर सब पहले ऐसे ही बोले आपका बात सुन के हम चले नहीं नहीं सर एक्चुअली बिल्कुल सही था हमको उस वक्त आना था ये पहली बार मेरी जबान मेरी रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा था सर नहीं तो मैं कभी भी ऐसा होने सर आप क्या बोल रहे हैं दो दो तीन तीन पेमेंट्स है एक एक डाल के कम से कम एक एक भी दिए तो सर आप थोड़ा पूरी कोशिश करता हूँ आज कुछ ना कुछ जितना भी हो सके उतना मैं रिलीज कर रहा हूँ तो भी आज दे हम लोगों के रिश्तेदारों में जो डाले ना उन्होंने उस्माने में एडमिटेशन हुआ उनका बहुत टिकल प्रॉब्लम है दो भी किडनी फेल हो गए
उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर, लिस्ट दीजिए। मेरा भी प्रॉब्लम है, बताया था मैं हमारी नवासी हूँ जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे हमारे दामाद के अगले मेडिकल इश्यूज है सर। क्या करें सर, आगे पीछे 15 दिन लेट हुआ परवाह नहीं, आगे पीछे एडजस्टमेंट को एक लिस्ट दीजिए जो बेयर मिनिमम की जरूरत है। एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करता आज रात या मैक्सिमम कल तक रिलीज होता है, लेकिन जो रिलीज अप्रूवल देती उनके हिसाब से मैं फिर भी एफर्ट डाल के मैं कुछ ना कुछ मेहरबानी बोलिए सर। मैं क्या बोल दो, हम बहुत इसके ये परेशानी में सर भाई भरोसा रख के हम बोले की बंदी के फीस बोल के डॉक्टर को बोल के ऐसा भी है सर। लेकिन माने सर मैं आप लोग की जज्बात को समझ रहा हूँ, इतने वीडियो भी आज तक हमने ऐसा कभी नहीं किया। एक चीज मुझे बहुत तकलीफ हुआ, ये अल्लाह की तरफ से ऊपर वाले से की तरफ से था कि मैंने एक चीज देखा है ये पूरे सिनेरियो में, दो दो साल तीन तीन साल डाल के प्रिंसिपल डाले प्रॉफिट कमा लिए, प्रिंसिपल डाले प्रॉफिट कमा लिए, एक महीना डिले हुआ हम बुरे इंसान बन गए। नहीं नहीं सर, हम नहीं है सर, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारे नहीं यकीन माने बहुत सारे लोग हैं असलम भाई, मैं वीडियो भी बना के डाला के इतना खुश हूं मैं। आप नहीं कह रहा सर, हमारी टीम से कोई ऐसा शिकायत नहीं कर सर, जितने मैं इतने दिन से लोगों को मैं देखिए सर भागने की इंटेंशन होती ना किसी भी बंदे को सर। हम मैं आपको पहले भी यही बोल चुका हमेशा, मैं भरे दम तक आपका इज्जत का साथ कर देंगे सर। हम यहाँ हर दिन हम सबसे पहले क्या होता ना, हर दिन ऑफिस में बैठता हूँ वो इसी उम्मीद पे बैठता हूँ लोग जो मुझ पर भरता मुझे खड़ा होना, कुछ भी हो मैं खड़ा होता हूँ, मैं तो रोज मिलता हूँ लोगों से वो इसलिए मिलता हूँ कि लोग जो ऐसे वक्त में मालूम होता सर कौन अच्छे जुड़ के अपने लोग दिख रहा है सर, मैं दिख रहा है 100% मेरे को दिख रहा है बराबर। मैंने बोला ना लोगों ने एक वो होता है कि पैसे डाले, पैसे डाल के प्रॉफिट भी कमा लिए।